नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। शंकराचार्य के आरोप पर आखिर बवाल क्यों मचा है? केदारनाथ में किसने किया है 22 किलो सोने का घोटाला? इसके बारे में आज हम आपको पूरी जानकारी देंगे। बता दें आपको कि ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने केदारनाथ धाम में 228 किलो सोने का घोटाला होने का आरोप लगाया है। मुंबई में मीडिया से बात करते हुए शंकराचार्य ने कहा कि केदारनाथ में हुए 228 किलो सोने के घोटाले की जांच आखिर क्यों नहीं होती। शंकराचार्य की ओर से आरोप लगाते ही विपक्षी दलों को एक बार फिर सरकार पर हमला करने का मौका मिल गया। इस बीच मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने केंद्र और राज्य सरकार से इस मामले की जांच की मांग की है। दरअसल कमलनाथ ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट किया है और उसमें तमाम बातों का जिक्र करते हुए नजर आ रहे थे। आपको ये बता दें कि उन्होंने क्या क्या लिखा है अपने सोशल मीडिया एक्स पर, वो बताते हैं आपको कि उन्होंने लिखा है कि ज्योतिष मठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने केदारनाथ धाम से 228 किलो सोना गायब होने की बात कही है। शंकराचार्य ने यह भी आरोप लगाया है कि केदारनाथ धाम में इतना बड़ा घोटाला होने के बावजूद जांच तक नहीं कराई गई। हिंदुओं की आस्था के सबसे बड़े प्रतीक भगवान केदारनाथ धाम से सोना चोरी जैसा कुकर्म घृणित पाप और अक्षम अपराधी की श्रेणी में आता है। उन्होंने ये भी कहा कि हैरानी की बात यह है कि इस मामले में न्याय के लिए शंकराचार्य को स्वयं सामने आना पड़ा। जगतगुरु शंकराचार्य का बयान कि इतने बड़े घोटाले की जांच तक नहीं कराई गई, बेहद ही गंभीर विषय है। बता दें आपको कि भगवान केदारनाथ धाम से 228 किलो सोना गायब होने का ये पूरा मामला लाखों करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं से खिलवाड़ है, आस्था पर ये हमला है। कमलनाथ ने यह भी कहा कि मैं केंद्र और राज्य सरकार से ये मांग करता हूं कि हम सबके शीर्ष गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की ओर से उठाए मामले की गंभीरता से जांच करें और भगवान के घर में चोरी घोटाले को अंजाम देने वाले दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। शंकराचार्य के आरोप पर भोजपुरी गायिका नेहा सिंह राठौर ने कहा कि मंदिर से सोना चोरी हुआ है तो फिर इसकी जांच क्यों नहीं की जा रही है। नेहा सिंह राठौर ने एक्स पर लिखा कि केदारनाथ का 228 किलो सोना किसने चुराया, इसकी जांच क्यों नहीं हुई। अगर जांच नहीं हुई तो अनुमान लगाइए कि सोना किसने चुराया होगा। दरअसल कुछ दिन पहले दिल्ली में केदारनाथ मंदिर के निर्माण का शिलान्यास किया गया था। यह शिलान्यास भी विवादों के घेरे में है। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने इस पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा है कि केदारनाथ में तो 228 किलो सोने का घोटाला हुआ है, अब दिल्ली में भी केदारनाथ मंदिर के नाम पर दूसरा घोटाला करने की तैयारी हो रही है। शंकराचार्य के इसी बयान को लेकर के सियासी बयानबाजी अब तेज हो गई है। वहीं शंकराचार्य और विपक्षी दलों के आरोप प्रत्यारोप के बीच बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिर समिति का बयान भी सामने आया है, जिसमें मंदिर समिति ने किसी भी प्रकार के घोटाले के आरोप से साफ इनकार किया है। अब शंकराचार्य जहां एक तरफ इस घोटाले का आरोप लगा रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ मंदिर समिति इस तरीके के घोटाले के आरोप से सीधा इनकार कर रहा है। अब देखना होगा कि किसकी बात में कितनी सच्चाई है, लेकिन अब इस मामले को लेकर के सियासत भी गर्म हो गई है। आपका क्या कुछ मानना है कमेंट बॉक्स में बताइएगा और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।